सिंगरौली में राज्य स्तरीय विद्युत विभाग के संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आउटसोर्स की संयुक्त टीम द्वारा आंदोलन किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया और मांगे पूरी न होने पर पूरे प्रदेश की बत्ती गुल कर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। सिंगरौली में राज्य स्तरीय विद्युत विभाग के संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आउटसोर्स लोगों की संयुक्त टीम द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए सद्बुद्धि हवन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सहायक अभियंता संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर टी के मोदी ने कामना की कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मस्तिष्क गरीब मजदूरों के प्रति श्रद्धा भाव का हो। उन्होंने कहा, सरकार यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो पूरा प्रदेश बिजली विहीन हो जाएगा और हम जनता को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जिले के सभी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि हमारा सहयोग करें। कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों ने अपना नेता सांसद एवं विधायक चुना था ताकि वे हमारा सहयोग करें, लेकिन सभी नेता सांसद विधायक असहयोग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हम संविदा कर्मियों को जो 20 साल से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी नहीं किया जाता और आउटसोर्स कर्मचारियों को मंडल कंपनी में सिविलियंस नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।